दोस्तों यदि आपको भारत का स्कोर देखकर दुख हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर। भारतीय टीम धर्मशाला वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ महज 112 रनों पर ऑल आउट हो गई। एक दिवसीय क्रिकेट में ये उसका 11वां सबसे कम स्कोर है। एक समय भारतीय टीम 29 रनों पर 7 विकेट गंवाकर मुश्किल में नजर आ रही थी और उसका 50 रन तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने शानदार 65 रन बनाकर भारतीय टीम को 100 के पार पहुंचाया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम शुरुआत से ही दबाव में आ गई और विकेटों की झड़ी लग गई। हालात ये थे कि उस पर सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने का खतरा मंडरा रहा था। इससे पहले साल 2000 में श्रीलंका के खिलाफ ही शारजाह में भारतीय टीम महज 54 रनों पर सिमट गई थी। ये उसका एक दिवसीय क्रिकेट का सबसे न्यूनतम स्कोर था। भारतीय टीम अब तक दो बार श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 100 से कम स्कोर पर आउट हो चुकी है। वनडे क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। 1981 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारतीय टीम महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। उस मैच में ग्रेग चैपल ने 5 विकेट चटकाए थे।